टॉपिक का नाम है एलसी ऑसिलेशंस। एनसीईआरटी के अंदर आई डाउट शायद ये हटा दिया गया है एलसी ऑसिलेशंस, मुझे नहीं पता क्यों। दो मिनट का काम है, जितनी देर में सिलेबस डिस्कस होगा उतनी देर में टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर ऐसे पढ़ेंगे फिर तो आपको बोर भी लगेगा, आपको कहोगे पता नहीं क्या चीज़ है। इसके लिए एक बहुत बढ़िया डायग्राम मुझे मिला हुआ है नेट पे, इससे बढ़िया डायग्राम मैंने देखा ही नहीं आज तक एलसी ऑसिलेशन समझने के लिए। तो समझते हैं एलसी ऑसिलेशन है क्या। एलसी ऑसिलेशन में एल और सी इकट्ठे लगा दो, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। सिंपल, एक इंडक्टर लो एक कैपेसिटर लो, कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दो। तो ये लो कैपेसिटर, आपने फुली चार्ज कर दिया एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, डन। इसको क्लोज कर दो। अब मान लेते हैं वायर में कोई एनर्जी लॉस नहीं है, एनर्जी जो है वो इस पूरे सर्किट में ही रहेगी, कोई लॉस नहीं होगा। इमेजिन कर, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लॉस होता है, पर हम ये मान रहे हैं कि इसमें एनर्जी लॉस नहीं है। तो नॉर्मली जब वर्ड ऑसिलेशंस यूज़ किया जाता है, प्लस वन में किया था ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन का मतलब किसी भी एक बॉडी का दो पोजिशन के बीच में मूव करना, पीरियोडिकली ऑसिलेशंस हैं। यहाँ पर एक बॉडी मूव नहीं कर रही, यहाँ पर एनर्जी मूव करेगी। यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये एनर्जी इसमें आ जाएगी, फिर एनर्जी इसमें चली जाएगी, फिर इसमें 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 ट्रांसफर होती रहेगी। इसको बोलते हैं एनर्जी ऑसिलेट कर गई, और टॉपिक का नाम क्या है, एलसी ऑसिलेशंस। तो क्या चीज़ ऑसिलेट करेगी, एनर्जी। कैसे, ये देखो, आपने कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भर दी। कैपेसिटर की एक प्रॉब्लम है, जब आप प्लेट्स को जोड़ेंगे तो कैपेसिटर अपने चार्ज को डिस्चार्ज करेगा और करंट की फॉर्म में यहाँ पे करंट मूव करेगा इंडक्टर में। जैसे ही करंट मूव करेगा इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी और इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाएगा। तो जब ये कैपेसिटर थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो गया टी बाई फोर टाइम में, खाली हो गया, सारी एनर्जी कहाँ दिख रही है, इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें आई पास हो रहा था। जैसे ही आई पास होना बंद हो गया, इसको ये तो नाराज़ हो गया, ऐसे कैसे कर दिया आई पास, मेरा जीरो कैसे कर दिया, अब मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि अपने अंदर करंट पैदा करूंगा। जब ये करंट पैदा करेगा अपने अंदर, क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, तो ये क्या करेगा, ये ऐसा करंट पैदा करेगा, जाएगा कहाँ, करंट कैपेसिटर में, कैपेसिटर की फिर से चार्जिंग करवा बैठा। जब इसने करंट पैदा किया तो जाएगा कहाँ, कैपेसिटर, कैपेसिटर ने करंट इसको दिया था, ये वापस उसको दिया जा रहा है। तो ये अब क्या कर रहा है, पहला ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इसने इसको मैग्नेटिक फील्ड दिया था, लेकिन जब इसने तो अपोजिशन ही शो करनी है, अपोजिशन में जो इसने करंट दिया उसने कैपेसिटर को उल्टा चार्ज कर दिया। हमने सीधा किया था, हमें अपोज करने के लिए इसने उल्टा चार्ज करवा दिया। देख रहे हो अपोजिशन इसकी, चार्ज तो दे दिया वापस पर उल्टा करके दिया। अब क्या हुआ, कैपेसिटर अब ये खाली हो गया, सारी एनर्जी वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गई। अब क्या हुआ, कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज हो गया। कैपेसिटर कहता मैं करंट छोड़ूंगा। अब कैपेसिटर ने पहले करंट कैसे छोड़ा था, क्लॉकवाइज, क्यों, क्योंकि ऊपर की प्लेट पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव थी। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो कैसे छोड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के चक्कर में जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे पैदा हुआ था अब वो ऊपर पैदा हो गया। अब जाएगा कहाँ, करंट, अब करंट ने जाना कहाँ है, वो तो इंडक्टर में जाएगा। जब करंट इंडक्टर में जाएगा अब उल्टा करंट हो गया, क्योंकि पहले क्लॉकवाइज था जिसे मैग्नेटिक फील्ड नीचे पैदा किया था, अब एंटी क्लॉकवाइज है जिसे उल्टा कर दिया। अब कैपेसिटर जबकि पूरा खाली हो गया, इंडक्टर कहता है ऐसे कैसे खाली हो गया, अब मेरे को कौन चेंज करेगा, कुछ भी नहीं, अब देखो मैं अपोजिशन शो करूंगा, मैं भी करंट पैदा करूंगा, अब मैं उल्टा काम करूंगा। तूने कैपेसिटर को कहता कि तेरे चार्जेस ऐसे थे ना, अब देख मैं अपोजिशन शो करूंगा, अपने करंट से तेरे को वापस करंट भेजूंगा और तेरे को उल्टा चार्ज कर दूंगा। सिचुएशन फिर से वही आ गई जो नंबर वन थी। अब गेम फिर स्टार्ट हो गई, कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा कर देगा और फिर इंडक्टर इसको उल्टा चार्ज कर देगा, कैपेसिटर उल्टा मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, फिर ये इंडक्टर फिर सीधा चार्ज कर देगा। तो अगर तुम कैपेसिटर को ध्यान से देखो, कैपेसिटर चार्ज अनचार्ज, उल्टा चार्ज अनचार्ज, सीधा चार्ज, एक साइकिल पूरा हो गया। इंडक्टर को देखो, खाली मैग्नेटिक फील्ड नीचे, खाली मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, खाली, साइकिल इसका भी पूरा हो गया। तो यानी कि एनर्जी अगर वेस्ट ना हो तो एनर्जी इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर में कैसे मूव करती है देख रहे हो,
और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैपेसिटर कैसे कभी सीधा चार्ज कभी खाली, कभी उल्टा चार्ज कभी खाली, कभी सीधा चार्ज कभी खाली, कैसे बिहेव कर रहा है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? इस प्रोसेस को एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, मान लिया एलसी ऑसिलेशन में ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है, आइडिया से दे दिया मैंने आपको। और ये प्रोसेस कैसे हो रहा है? जीरो से टी बाय फोर टाइम में, टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर टी बाय टू टाइम में, प्लस टी बाय फोर थ्री टी बाय फोर टाइम में, टी टाइम में, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। और कैपिटल टी टाइम में ये साइकिल वापस से रिपीट होता जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे ठीक है, मान लिया एनर्जी इधर उधर जाती रही जाती रही जाती रही, समझ में आ गया, इंसान इसका करेगा क्या ये तो बता दे, मतलब क्या खेल खेल रहा है, एनर्जी गई खुश हो रहा है, हाँ देखा एनर्जी पास हो गई, फिर क्या दुनिया में कुछ तो हुआ ही होगा इसके बाद, एनर्जी पास कर करके क्या मिला होगा? हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसा करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई थी। आपका जो माइक्रोवेव ओवन है ना, ऑन करते हो जब, उसमें यही खेल चलता है, और ये इतनी तेज चलता है, इसमें से वेव जनरेट होते हैं, इसका नाम है माइक्रोवेव्स, तभी तो नाम है माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव जनरेट करता है वो ऐसे एलसी ऑसिलेटर लगा लगा के, और जो खाने पे गिरती है खाना गर्म हो जाता है। तो रोज़ याद करोगे एलसी ऑसिलेटर। और ये तो छोटी बात है, तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ एलसी ऑसिलेटर अभी आज इसी वक्त, फ़ोन, आपका जो फ़ोन है मोबाइल फ़ोन, जब आप डायल करते हो कोई नंबर, आपकी बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करके एलसी में खेलती है, एनर्जी ट्रांसफ़र करती है और रेडियो वेव जनरेट कर देती है। रेडियो वेव जनरेट करती है, आप जो बात कर रहे हो रेडियो वेव में मिक्स हो जाती है और एंटीना तक जाके आप बात कर सकते हो, क्योंकि एलसी ऑसिलेटर अपना काम कर रहा है। फिर तो बड़ी बात है, ये तो बड़ी बात कर गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी एलसी ऑसिलेटर की। एलसी ऑसिलेटर की डिस्कवरी ऐसी नहीं थी, लोगों ने तो बस एनर्जी के साथ खेलना ही शुरू किया, देखा मज़ा आ गया। लेकिन 1850 के आसपास, 1857 के बाद, हिस्ट्री बताऊंगा मैं आपको सेकंड, उसमें जो हर्ट्ज था उसने पहली बार लैब के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लैब में जनरेट करवा दी। उसके बाद तो रेवोल्यूशन आ गया ना, मतलब ये तो जब, अगर वेव ना होती ना मोबाइल फ़ोन होता ना ये वायरलेस फ़ोन होता, कुछ भी नहीं है, फिर तो उसने स्पेस को यूज़ कर दिया ना, स्पेस के अंदर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया। ये तो मज़े की बात है इसमें, सही है ना? तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब पॉइंट ये है एलसी ऑसिलेशंस के अंदर, आप देख रहे होंगे राइट साइड पे स्प्रिंग क्यों बना रखा है। इसको कंपेयर किया गया विद अ स्प्रिंग मास सिस्टम, ध्यान से देखना कैसे। कॉम्पिटिशन के अंदर देखो, मुझे पता नहीं आपके सीबीएसई में अभी आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता ना भी आए, स्टूडेंट बोला सिलेबस में नहीं है, मैं मान लेता हूँ। बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि एल और सी का कॉम्बिनेशन दे देगा, कहेगा जी मैं तो एल और सी का कॉम्बिनेशन दिया, एलसी ऑसिलेटर ऑसिलेटर हटा देगा, अब बोलो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। चलो आइडिया तो हो गया आपको, कॉम्पिटिशन ये सीबीएसई तक सफिशेंट है, इतना इतनी थ्योरी आइडिया सफिशेंट है, आप क्वेश्चन आ गया तो दे पाओगे आंसर। लेकिन कॉम्पिटिशन में वो ऐसा कुछ पूछेगा, तभी मैंने साथ लेके आया हूँ मैं। उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कंपेयर करो इस स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह, कैसे, क्योंकि हमने प्लस वन में ऑसिलेशंस की थी, तो कहते हैं हमने स्प्रिंग मास सिस्टम को ऑसिलेट करवाया था, यहाँ पर एनर्जी ऑसिलेट की, तो कहते हैं कंपेयर करते हैं कैसे। इमेजिन करो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, यहाँ पे था, आपने खींच दिया इसे एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। जब आपने इसे खींचा स्प्रिंग को, स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या पकड़ के रखा हुआ है, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंडक्टर की एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, और मन में सोचो स्प्रिंग एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो यहाँ पर स्प्रिंग एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी। जैसे ही आपने इसको छोड़ा और ये मेन पोजीशन को क्रॉस करता है विद वेरी हाई वेलोसिटी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, स्प्रिंग एनर्जी जीरो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि स्प्रिंग एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्स है, इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम है। और कहाँ पे, नीचे की तरफ, ब्लॉक कैसे जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, फिर स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, स्प्रिंग एनर्जी आ गई, पहले एक्सपेंशन की एनर्जी ऐसी थी,
और कंप्रेशन की उल्टी हो गई और वेलोसिटी जीरो से इंडक्टर की एनर्जी खाली हो गई। फिर ये वापस पास करता है मीन पोजीशन से, काइनेटिक मैक्स है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो हो गई, स्प्रिंग जीरो हो गई, और वापस जब यहाँ पे आया काइनेटिक जीरो हो गई, इंडक्टर जीरो हो गई, और वापस वही सिचुएशन आ गई सिचुएशन नंबर वन, कैपेसिटर की वही सिचुएशन आ गई सिचुएशन नंबर वन। तो समझ में आ रहा है कि कैसे उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्प्रिंग के साथ कंपेयर कर दिया और काइनेटिक को इंडक्टर की एनर्जी के साथ कंपेयर कर दिया। कोई डाउट इसमें? ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को ये डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन क्या आएगा? अब क्वेश्चन ये आएगा, जो क्वेश्चन आना है इसके ऊपर वो ये आएगा। मैं बुकलेट में इसका प्रिंट लगाना भूल गया, पर मैंने आपको इसकी फोटो कॉपी दे दी है, जो ऑनलाइन है वो इसकी प्रिंटआउट्स ले लेंगे। आपके कंपटीशन में इस शीट में से कुछ ना कुछ आइडिया पे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब अगर एलसी ऑसिलेटर पे न्यूमेरिकल आया या कोई क्वेश्चन आया तो वो ये शीट पढ़े बिना नहीं सॉल्व हो सकता। ठीक, एनसीईआरटी के लिए नो, नॉट फॉर एनसीईआरटी, लिख लेना शीट के ऊपर, एनसीईआरटी के लिए नहीं पढ़ना। ठीक है, तो मैथमेटिकली अब एलसी ऑसिलेशंस को स्टडी करते हैं। मैथमेटिकली ये एल है और ये सी है। अब इसमें जब कैपेसिटर को आप चार्ज देंगे तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्यू बाई सी। वो चार्ज कहाँ जाएगा? इंडक्टर में। इंडक्टर में ईएमएफ क्या डेवलप होगी? माइनस एल डी आई बाई डी टी। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये प्रूफ आपको नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, सिर्फ समझना है। क्या पढ़ना है एंड में बताऊंगा कि आपको आएगा क्या। तो ये आप डेरिवेशन मत याद करना शुरू करना, सिर्फ समझना है। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई। कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको क्यू चार्ज दिया था, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है, कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी, वो नेगेटिव होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज नेगेटिव है, कम होता जा रहा है चार्ज। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, इधर भी डी बाई डी टी लगाओ, इधर भी डी बाई डी टी लगाओ, तो डबल डेरिवेटिव हो गया। तो ये डी आई बाई डी टी, ये डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। अब इस डी आई बाई डी टी की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो ऊपर, तो आपके पास ये टर्म आ गई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। अब ये टर्म को ध्यान से देखो, अगर आपको SHM याद हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें कोई बॉडी मूव करती थी, जैसे ब्लॉक स्प्रिंग मास सिस्टम में मूवमेंट होती थी, तो डिस्प्लेसमेंट कवर होती थी, डिस्प्लेसमेंट SHM में होती थी, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती क्या थी SHM की? एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्सेलरेशन क्या होता था? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब इसको इसको कंपेयर करो, इसमें एक्स SHM में है, इसमें चार्ज या एक्स पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, एक्स पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, इसमें चार्ज पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, ये और ये एक ही बात है। जो काम स्प्रिंग मास सिस्टम में एक्स करता है वो काम एलसी ऑसिलेटर में क्यू करता है, जो काम एक्स करता है वो क्यू करता है। तो ओमेगा की वैल्यू इनको कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ वन बाई अंडर रूट ऑफ एलसी। तो पहला क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन अब बनेगा कंपटीशन का। अभी तक तो कहानी थी कि जब एलसी ऑसिलेशन होती हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ट्रांसफर होती है? वन बाई अंडर रूट ऑफ एलसी, पहला आंसर मार्क कर लेना है। ये तो आएगा नहीं प्रूफ, ये तो बता रहा हूं कि ऐसे बना, ये पहला आंसर है, प्रूफ नहीं आएगा, सीधा मार्क करना है। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप SHM की बात करते हो प्लस वन में, तो x की वैल्यू या तो a साइन ओमेगा t या a कॉस ओमेगा t हुआ करती थी SHM में। यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें मैथ्स में बाय इंटीग्रेशन, तो चार्ज का ये फॉर्मूला आएगा, जैसे x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा t, यहाँ पर x की जगह क्या यूज़ करेंगे? चार्ज, चार्ज इज क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर कॉस क्यों यूज़ किया, साइन क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम था, स्टार्ट हमने कैपेसिटर से किया, तो टाइम जीरो पे सब कुछ जीरो करते हुए क्यू किसके इक्वल था? क्यू नॉट, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज था कैपेसिटर के पास, तो कॉस फंक्शन यूज करते हैं।
क्योंकि मैक्सिमम से स्टार्ट होता है ना कॉस्ट फंक्शन, मैथ्स के लोगों को समझ में आ रहा होगा, सही। अब क्वेश्चन नंबर टू क्या आएगा, ये आएगा। इसमें से तो बहुत बार मैच दी फॉलोइंग आता है आपको, मेंस में नीट में भरा पड़ा है ये क्वेश्चन, वो आपसे डिब्बा देके मैच दी फॉलोइंग करवाएगा। देखो क्या वो कहेगा, आप एलसी ऑसिलेशन को स्प्रिंग मास सिस्टम से कंपेयर करो। हमने थ्योरेटिकल कंपेयर तो कर लिया, मैथमेटिकल कंपेयर करो और कौन सी चीज़ किसके साथ मैच की जाती है वो मैच करके दिखाओ। जैसे जो काम SHM में स्प्रिंग मास सिस्टम में एक्स करता है वो काम इसमें कौन करेगा, चार्ज। जो काम इसमें dx बाई dt करेगा वो dq बाई dt करेगा। dx बाई dt क्या होती है, वेलोसिटी, पर dq बाई dt क्या होता है, करंट। तो जो काम वेलोसिटी करेगा वो काम करंट करेगा, सही। नेक्स्ट SHM की एक क्वेश्चन होती थी, इसके अंदर x की जगह q हो जाएगा। स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा क्या होते हैं, अंडर रूट ऑफ k बाई m, इसमें क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC, सही। ये भी कर लिया। SHM की इक्वेशन क्या होती थी, a साइन a cos, और यहाँ पर चार्ज a साइन q नॉट साइन q नॉट cos, कुछ भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मली हम cos करते हैं, बात अलग। SHM में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाई dt, और याद करो SHM में ये इक्वेशन हुआ करती थी वेलोसिटी की। अब इसके अंदर v की जगह क्या आएगा, i, x की जगह क्या आएगा, q, ओमेगा की जगह क्या आएगा, ओमेगा, x की जगह क्या आएगा, q, और x की मैक्सिमम वैल्यू है a, q की मैक्सिमम वैल्यू है q नॉट, इक्वेशन। SHM में a माइनस ओमेगा स्क्वायर x था, इसके अंदर एक्सेलेरेशन क्या होती है, dv बाई dt, और जो काम वेलोसिटी करता है वो काम कौन करता है, यहाँ पर करंट। तो एक्सेलेरेशन की जगह क्या आएगा, di बाई dt, dv बाई dt की जगह di बाई dt, और x की जगह क्या आएगा, q। SHM में जो हाफ mv स्क्वायर है वो इंडक्टर की एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ li स्क्वायर बताया, और स्प्रिंग की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। SHM में स्प्रिंग की एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसमें इंडक्टर की और मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कांस्टेंट है। जो काम उसमें मास करता है वो काम इसमें L करता है, कंपेयर करो m L के साथ, v i के साथ। जो काम इसमें x करता है वो काम इसमें q स्क्वायर करता है। तो k इज इक्वल टू 1 बाई सी, कंपेयर करके k इज इक्वल टू 1 बाई सी या c इज इक्वल टू 1 बाई के, मैच दी फॉलोइंग कर लेना, स्प्रिंग मास सिस्टम की मैच दी फॉलोइंग करवाता है वो। अब ये चार्ट याद कर लेना जैसे करना है।